अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त यासिर खान। जैसा कि आपने मुझे देखा होगा कि कुछ दिन मैं यहां से गायब था, अब वापस आया हूं अपने इस प्रोग्राम में। हमारे आपने बहुत प्रोग्राम देखे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जाने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीर खान यूसुफ़ज़ई, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ बटल सेक्रेटरीट में, जो कि इंसाफ यूथ विंग का सेक्रेटरीट है। यहाँ पे आज एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। मजबूरी से गलत फायदा उठा रहे हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ठीक है। जैसे कि भाई ने बताया कि यहाँ पर जब किराए की आवाज़ उठाई जाती है कि आप ज़्यादा किराया ले रहे हैं, तो पैसेंजर को बिठाया नहीं जाता, उसको गाड़ी से उतार दिया जाता है। 10 गांव के लोगों के दादा की कब्र है, और ये लोग ये नहीं चाहते कि उनके दादा की कब्र यहाँ से हटम की। सिंगलकोट और उससे मलहिका इलाकों का सबसे बड़ा मसला यहाँ की गैर तामीर शुदा डिस्पेंसरी है। ये डिस्पेंसरी 2005 के जलजले में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। तो आई विल सपोर्ट इमरान खान। 2013 में जब इंतखाबात हो रहे थे, तो इमरान खान साहब का ये नारा था कि हर विलेज काउंसिल और हर यूनियन काउंसिल के सतह पे हम प्लेग्राउंड बना के देंगे, लेकिन अब तक उनका ये वादा वफा ना हो सका। उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? उमर हयात तनोली सर, हमें पता चला है कि आप ज़र ज़मीन से पानी ड्राफ्ट करते हैं। बिल्कुल, ये 20 साल से ये काम में कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज हम आपको यूसी हिल कोर्ट के मौसम के हवाले से कुछ बताएं। इस तलाश में ये गाड़ियाँ आ रही हैं, देखें ये आग अस्सलाम वालेकुम। आप फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे इस वादी में आए हैं, तो आपकी वादी किस तरह की लगती है? इसका शहर या इस वादी की जादूगरी या लैंडस्केप मनाजर ने आपको कितने दिल को भाया? ये जो इलाका है, ये टोटली नेचुरली बिल्ट इलाका है, और यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल मतलब बहुत कम बिल्डिंग्स और इमारतें आपको नहीं मिलेंगी ना होने के। पोस्ट रैली में मौजूद चिनारकोट के मुकाम पर इस पंचकी का एक अपना अलग ही नाम है। आइए नजीब भाई से पूछते हैं इस पंचकी के बारे में। 21 साल जद्दोजहद कर रहे हैं, और आज अल्लाह ने उसे कामयाब किया और उसने हुक्मरानी वक्त को जेलों में घसीटा। आप शायरी से भी शौक रखते होंगे, तो जाते जाते एक शेर भी सुनाइएगा। जिंदगी में ये बात जो है शेर मुझे तुम बताओ तो फिर सुना सकते। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ फौरी तौर पर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी इकदाम करे, ताकि तो हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। खुदा हाफिज़।